नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हुसैनाबाद जपला से संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। हुसैनाबाद को जिला बनने से हरिहरगंज को समुचित विकास होगा। हुसैनाबाद स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कमलेश कुमार सिंह ने उक्त बातें कही। उन्होंने हरिहरगंज को अनुमंडल बनाने को लेकर आंदोलन करने की घोषणा भी की। दाहिना हाथ है तो बाया हाथ हमारा हरिहरगंज, और हरिहरगंज को हम काफ़ी आगे ले जाएंगे। इसीलिए दशहरा के शुभ अवसर पर आपसे हम आग्रह करते हैं कि मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाइए, आपका साथ हो। 19 नवंबर को जोरदार हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, एक दिवसीय धरना, जिसमें हम मांग करेंगे कि हरिहरगंज को अनुमंडल घोषित करो और हुसैनाबाद को जिला बनाओ। हम दो तीन तरफ से रोड निकालेंगे जिससे हरिहरगंज और हुसैन जपला का दूरी 20 या 22 किलोमीटर हो जाए। लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, यहाँ का अस्पताल भी अच्छा बनवाएंगे। जो भी हरिहरगंज का अस्पताल बहुत खराब स्थिति में है उसको ठीक करेंगे। गरीब भाइयों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आज हम शुभ दिन पर आप लोग को प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं कि 19 नवंबर का जो आंदोलन हम एक दिवसीय किए हैं उसमें आप अनुमंडल ग्राम क्षेत्र में, और उसके लिए आप लोग का साथ मिलना चाहिए। और अगला चरण मेरा होगा कि 15 से लेकर 20 दिसंबर तक डाल्टेनगंज को हम जाम कर देंगे, कि हरिहरगंज को अनुमंडल का दर्जा दो और हुसैनाबाद को जिला करता है। लेकिन अगर यहाँ काम हो तो यहाँ का एसपी खुद कर सकता है, तो आप खुद नहीं चाहते हैं? अगर खैर यहाँ तो दूरी हम लोग कम भी कर रहे हैं रोड प्रस्तावित करके कि लोगों को कष्ट ना हो, लेकिन अगर 2 किलोमीटर ज्यादा भी जाना पड़े और लेकिन अगर आपका काम हो जाए वो ज्यादा महत्व रखता है कि नहीं? काम होना ज्यादा महत्व रखता है। लोगों को ये समझना चाहिए कि जिला बनने के बाद उसका लाभ मिले, और उसका लाभ तब मिलेगा जब जिला हुसैनाबाद में बनेगा, क्योंकि तो हुसैनाबाद हमारा क्षेत्र है, हमारा छतरपुर क्षेत्र नहीं है। चाहे हरिहरगंज हो या जपला हो या हैदरनगर हो या मोहम्मदगंज हो, लोगों को अगर इसका लाभ उठाना है तो जिला ऐसा हो जो हमारे क्षेत्र में आता हो। और हमारा ये प्रयास हमेशा रहेगा कि हम लोगों की परेशानी का भी ध्यान रखें और वो दूरी को भी कम करेंगे। सरकार में आते ही हम उस रोड का निर्माण कराएंगे जिससे आपको हरिहरगंज से जपला आना ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा कि जहां हमने छतरपुर जाना पड़े। मौके पर युवा रांकापा नेता सूर्या सिंह, रांकापा के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह के अलावा गुड्डू, बसंत यादव, राजकुमार ठाकुर, राजू सिंह समेत कई लोग भी उपस्थित थे। धन्यवाद।